चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये वॉश बेसिन है और नीचे बॉटल ड्रेप भी लगा हुआ है और ऊपर में पिलर कोक भी फिटिंग हुआ है। ये आपका पेडिस्टल वॉश बेसिन है, ये स्टैंड के साथ दिखने में और भी अच्छा लगता है। इसे टेबल टॉप वॉश बेसिन कहते हैं। आप इसे ऊपर में कहीं भी अच्छी जगह में फिटिंग कर सकते हैं। कॉर्नर वॉश बेसिन, ये दीवार के कोने में लगता है और आपका ये छोटे से जगह में भी आराम से फिटिंग होगा। इंडियन टॉयलेट या इसे फैन भी कहते हैं। कॉमोड या वेस्टर्न टॉयलेट आप किसी भी नाम से बोल सकते हैं इसको। ये वॉल हैंग टॉयलेट है, इसे दीवार में लटकाया जाता है। ये टू पीस वॉल हैंग टॉयलेट है। फ्लश टैंक या सिस्टर्न कहते हैं इसको। इंडियन टॉयलेट या वेस्टर्न टॉयलेट में इसको दोनों में लगाया जा सकता है। सिंक, इसको किचन में फिटिंग किया जाता है किचन का सामान को धोने के लिए। सिंक वेस्ट कपलिंग, सिंक का वेस्ट पानी इससे बाहर निकल जाता है। बेसिंग वेस्ट कपलिंग, इसका भी सेम प्रोसेस है, इसका बेसिंग का वेस्ट पानी इससे बाहर निकल जाता है। पॉपअप वेस्ट कपलिंग, ये पानी रोकने का काम करता है अगर पॉपअप आप लगा देंगे तो। बॉटल ट्रैप, सिंक और बेसिन में इसको लगाया जाता है वेस्ट पानी जाने के लिए। वेस्ट पाइप, सिंक और बेसिन में इसको भी लगाया जाता है, बॉटल ट्रैप का जगह आप इसको भी लगा सकते हैं। लॉन्ग बॉडी बिग कप, अगर आपको लंबा चाहिए तो आप इसको लगा सकते हैं, ये थोड़ा लंबा रहता है अगर स्पेस आपका थोड़ा बड़ा है तो। शॉर्ट बॉडी बिग कप, इसको छोटा बाथरूम में या कहीं भी छोटा जगह में इसको लगाया जाता है। टू इन वन टैप, इसको ज़्यादा कॉमोड के सामने लगाया जाता है, इसमें आप जेट स्प्रे भी लगा सकते हैं। वॉशिंग मशीन टैप, टैप के आगे में नोजल जैसे रहता है, आप इसमें आसानी से पाइप डाल सकते हैं। टू इन वन वॉशिंग मशीन टैप, इसमें आप दो काम कर सकते हैं। शॉर्ट बॉडी पिलर को इसको बेसिन में लगाया जाता है, इसका हाइट थोड़ा सा छोटा रहता है। लॉन्ग बॉडी पिलर को, इसका हाइट थोड़ा ज़्यादा ऊंचा रहता है। सेंसर पिलर को, ये ऑटोमेटिक होता है। स्विम पिलर को, आप इसको दायां बायां कर सकते हैं इधर से उधर। टू इन वन पिलर को, इसमें दो पानी के कनेक्शन रहता है, आप ठंडा गर्म इसमें ले सकते हैं। सिंक को, इसको सिंक में लगाया जाता है। ये सिंक मिक्सर है, इसमें दो पानी ले सकते हैं ठंडा या गर्म। वॉल मिक्सचर, थ्री इन वन वॉल मिक्सचर, इसमें आपका हैंड शावर भी रहता है। टेलीफोनिक वॉल मिक्सचर, ये टेलीफोन जैसे दिखता है इसलिए टेलीफोनिक वॉल मिक्सचर इसको कहते हैं। डायवर्टर वॉल मिक्सचर से थोड़ा महंगा रहता है क्योंकि इसका काम वॉल मिक्सचर से थोड़ा एडवांस होता है। कॉन्सील स्टॉप कॉक, आप इसको वॉल मिक्सचर का जगह में भी लगा सकते हैं आपका बजट अगर थोड़ा कम है तो। ये हैंड शावर है। बॉडी जेट स्प्रे, इसे बाथरूम में यूज़ किया जाता है, अगर इसको लगाना हो तो आपको डायवर्टर लगाना पड़ेगा। शावर, इसे आप नॉर्मल बाथरूम में भी लगा सकते हैं। शावर आर्क, शावर का डंडी को कहते हैं शावर आर्क। जेट स्प्रे, ये आपका कमर के सामने में लगता है। शावर होल्डर, इसमें हैंड शावर रखा जाता है। एंगल बल्ब, ये आपका सिस्टम पॉइंट के सामने और पियर पॉइंट के सामने भी लगता है। टू इन वन एंगल बल्ब, इसको ज़्यादा कमर के सामने में फिटिंग किया जाता है। कनेक्टर पाइप, ये कनेक्शन के लिए होता है जहाँ आपको पानी देना होगा, जैसे आपको सिस्टम में, आपका गीजर में। ये बोर बल्ब है और आपका ये गेट बल्ब कहते हैं इसको, दोनों पानी रुकने का काम करता है। सॉप होल्डर, सीपी कैप, वॉल मिक्सचर कैप, टॉवल रिंग, वॉल मिक्सचर लैग, बैरल निप्पल, हैक्स निप्पल, एक्सटेंशन निप्पल।